न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। तो हमने अभी तक न्यूटन के दो लॉज जो हैं वो स्टडी की हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये हमारे पास क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। यानी अगर कोई एक्शन टेक प्लेस हो रहा है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक ऑपोजिट रिएक्शन आएगा, लेकिन उसकी क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। यानी उसकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इक्वल होगा फॉर एनी एक्शन। एक्सप्लेन करते हैं हम इसको जरा। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ही स्टेट्स दैट मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि कोई भी बॉडी में जो मोशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी उसका जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, द फोर्स दैट विल एक्ट ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बॉडी, उसको हम सपोज कर लेते हैं एक ए बॉडी है, वो एक्सर्ट कर रही है फोर्स ऑन अदर बॉडी दैट इज अ बी। द बॉडी बी रिएक्ट्स अगेंस्ट दिस फोर्स एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ बॉडी ए। यानी क्या होगा कि एक बॉडी अगर एक दूसरी बॉडी पे फोर्स अपनी एग्जर्ट कर रही है तो जो रिएक्शन में जो बॉडी बी है वो क्या करेगी, वो भी बॉडी ए पे फोर्स एग्जर्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स आ रही है वो तो है तो हमारे पास सेम इन मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या आ रहा है वो एक्शन और रिएक्शन हो जाएगा। यानी द फोर्स दैट इज एग्जर्टेड बाय द बॉडी ए ऑन अ बी इज द एक्शन फोर्स। ठीक है, यानी ए ने बी पे जब फोर्स एक्ट की तो वो क्या आ गई, हमारे पास एक्शन फोर्स, लेकिन जो फोर्स एग्जर्ट करेगी बी ऑन ए वो क्या होगी, फिर वो रिएक्शन फोर्स। यानी एक बॉडी ए है वो बी पे एक्ट कर रही है, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रही है एज अ रिजल्ट, तो बॉडी बी क्या कर रही है वो ए पे रिएक्ट कर रही है, यानी उसका रिस्पांस दे रही है। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है हमारे पास रिएक्शन फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज अकॉम्पनीड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड द टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। यानी जो दो फोर्सेज है वो क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट दे शुड बी ऑपोजिट। नॉट दैट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। अच्छा, सेम बॉडी नहीं हम इसमें लेंगे, देर आर टू बॉडीज, ठीक है, यानी टू डिफरेंट बॉडीज जो हैं, टू डिफरेंट बॉडीज, यानी जो एक ही बॉडी नहीं होगी, दो डिफरेंट बॉडीज होंगी, उन पे ये जो न्यूटन जो थर्ड लॉ ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बुक है दैट इज लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है, ये टेबल पर पड़ी हुई है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉडी का जो, यानी जो बॉडी इसमें क्या है हमारे पास, जो हमारी बुक है उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, ये एक्शन कर रही है, बुक क्या कर रही है, एक्ट कर रही है थ्रू इट्स वेट्स डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये इसका एक्शन आ रहा है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, द सेकेंड बॉडी, वॉट इज द सेकेंड बॉडी हेयर, यहाँ पे जो हमारा टेबल है ये कौन सी है, सेकेंड बॉडी, तो ये क्या कर रही है, ये रिएक्ट कर रही है ऑन बुक। ये एक्शन में क्या कर रही है, जो टेबल है वो क्या कर रहा है, बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास बुक जो है वो एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एक और एग्जाम्पल है कि हम एक बैलून की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि बैलून को एयर से पहले फिल कर दिया और फिर उसमें से जो एयर है उसको रिलीज होने दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एयर है और एक क्या बैलून है, तो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलून है वो एयर को क्या करेगा, रिलीज होने देगा। तो वो क्या कर रहा है, बैलून जो है वो एयर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, अपना एक्शन दे रहा है। तो एज अ रिएक्शन क्या होगा के, और क्या कर रहा है, वो उसको आउटवर्ड निकाल रहा है, ठीक है। तो एज अ रिएक्शन, तो रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारी एयर है वो क्या करेगी, बैलून को बैकवर्ड यानी फॉरवर्ड मूव करवाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जोन सा है, ये जो बैलून है वो एयर पे एक्शन दे रहा है अपना, और रिएक्शन फोर्स जोन सी है एयर जो है वो अपनी बैलून पे एक्ट करेगी। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट जो सा है उसको जब हम लोग अर्थ से लॉन्च करते हैं थ्रू स्पेस, तो यहाँ पे कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, कैसे, देयर इज अ केस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दैट वन इट फ्यूल्स बर्न, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रॉकेट को मूव कराने के लिए अर्थ के अगेंस्ट हम उसका जो फ्यूल यूज करते हैं, जो उसके अंदर फ्यूल पंप होते हैं, तो उनमें क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस होती हैं, ठीक है, थीके? तो वो बर्न होती हैं एज अ रिजल्ट, तो वो इस्केप हो रही हैं, ठीक है, गैसेस क्या हो रही हैं, फ्यूल क्या हो रहे हैं, वो बर्न हो रहे हैं और वो इस्केप हो रहे हैं थ्रू आर रॉकेट। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि रॉकेट जो सा बहुत हाई स्पीड से
जोन से वो मूव करता है, ठीक है, अगेंस्ट द अर्थ. तो द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेज ऑन द रॉकेट कॉजेज टू मूव ऑपोजिट टू द गैसेज रशिंग आउट ऑफ इट्स टेल. ठीक है, तो गैसेस जो हैं वो हमारे पास आउटवर्ड एक्ट हो रही है और रिजल्ट क्या आ रहा है, रॉकेट हमारे पास मूव कर रहा है. ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. लाइक गैसेस जो है वो डाउनवर्ड रिलीज हो रही है और जो रॉकेट है वो हमारे पास क्या कर रहा है, अपवर्ड जो है मूव कर रहा है.